हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचानुस के में। हम चैनल उपचानुस के में रोज एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल उपचानुस के को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे। जन्माष्टमी के दिन जरूर करें ये पांच काम, खुल जाएगी किस्मत। कुछ दिनों के बाद पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। भादो माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जन्माष्टमी के दिन कुछ उपाय करना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। आज हम आपको ऐसे पाँच उपाय बताएंगे जिन्हें जन्माष्टमी के दिन करने से भगवान कृष्ण जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। धन प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर में जाएं और भगवान कृष्ण जी को पीले रंग की माला अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती संख में जल भरकर भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और मन की हर मुराद पूर्ण होती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा पाने के लिए सफेद मिठाई, साबूदाने या फिर खीर बनाकर भोग लगाएं और उसमें मिश्री और तुलसी के पत्ते डालें। इस उपाय को करने से भगवान श्री कृष्ण जी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपके किसी भी काम में कभी भी कोई बाधा ना आए, इसके लिए जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में जटा वाला नारियल और 11 बादाम चढ़ाएं। नौकरी में तरक्की पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन खीर बनाकर कन्याओं को खिलाएं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह सभी बातें पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।